तो 3D के नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों आपका वेलकम है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायरेक्शंस रेशियो ऑफ ए लाइन। तो डेफिनेशन है बच्चों कि एनी थ्री नंबर विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शंस कोसाइन ऑफ ए लाइन आर कॉल्ड द डायरेक्शंस रेशियो ऑफ द लाइंस। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा दिमाग में सोच करके चलते हैं कि ये थ्री जो नंबर है ना वो क्या है। तो बच्चों एक बार फिर से मैं आपको 3D की हेल्प से ये बताने की कोशिश करूँगा कि वो थ्री नंबर्स एक्चुअल में हैं क्या। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए की जो वैल्यू है वो है 5.93। ये है वो नंबर। दूसरा बी इज इक्वल टू 5.93 और सी की जो वैल्यू है वो 5.4 समथिंग। अब सबसे पहले तो आप इस डायग्राम को समझने की कोशिश करें तो ये ए बी सी आपको समझ में आएगा। और जो हमने डेफिनेशन जो बनाई है वो डेफिनेशन हमने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की प्रैक्टिकली 3D में, तो जा करके हमें ये समझ में आया कि ये ए बी सी के प्रोपोर्शनल जो है कि कोई भी जो थ्री नंबर हैं जो कि प्रोपोर्शनल हैं किसके डायरेक्शंस कोसाइंस पे। ठीक है ना बच्चों। तो अब जिस भी रूम में आप अभी बैठे हुए हैं उस रूम को थोड़ा सा आप 3D में समझने की कोशिश करें। ब्लू जो एक्सिस है ये जो ब्लू, आप मेरे कर्सर के ऊपर ध्यान दें। मोबाइल में अगर आप देखेंगे तो कर्सर बहुत छोटा दिखाई देगा बट आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। सी सी क्या चीज़ है? अभी अगर अपन बात करें तो आप ये जो कर्सर है मेरा, ये सी की वैल्यू है जो ब्लू वाला जो एक्सिस है वो जेड एक्सिस का काम कर रहा है। यहाँ पे ग्रीन जो है वो वाई एक्सिस का काम कर रहा है। रेड जो है बच्चों मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस है। ठीक है ना। तो तीन ही एक्सिस होते हैं आपके रूम के अंदर। जिस भी रूम के अंदर आप बैठे हुए हैं बच्चों तो ये वाला जो है जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है ना, जहाँ पे मेरा कर्सर है अभी, ये आप देखें कि ये वाली जो लाइन जिसके ऊपर मैं अभी कर्सर को मूव कर रहा हूँ, तो अगर आप इस लाइन का मैग्नीट्यूड अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो क्या होगा बच्चों? अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा ना, क्योंकि ये तो डायगनल है। देखो आप यहाँ से ये वाला देखो आप, इधर से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। आप ये देखिए ये 90 डिग्री का है और इसके ठीक सामने की जो साइड है वो क्या है आपकी, ये वाली साइड, अभी जो मेरा कर्सर इसके ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है ना। तो इसके सामने वाली साइड तो हाइपोटन्यूज का काम करेगी। और अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, ये कर्सर मेरा रेड से और यूं जाता हुआ और फिर अब ये इधर से यूं आता हुआ, ये वाला जो अगर मैं ट्रायंगल लूंगा तो रेड और ग्रीन वाली जो लाइन है ये दोनों बेस और परपेंडिकुलर का काम करेंगी और ये वाला जो साइड होगा हमारा वो क्या होगा, हाइपोटन्यूज का काम करेगा। और हाइपोटन्यूज क्या होता है? इन दोनों के स्क्वेयर का सम। ठीक है ना बच्चों। तो अब ये वाली जो साइड होगी वो हमारी काम करेगी ये वाली। मैं इस पे अभी लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि सॉफ्टवेयर में कुछ लिमिटेशन है। तो ये वाली साइड आपकी क्या हो जाएगी, मेरा कर्सर आप ध्यान से देखें, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आ गई बात बच्चों? तो अब आप देखें कि ये वाली जो लाइन हमारी अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर हो गई थी, ठीक है ना, तो ये वाली जो लाइन होगी बच्चों जो ब्लू वाली, अभी मेरा आप कर्सर देखें इस पे, अब आप प्लस टू के विद्यार्थी हैं तो आपको इतनी ऑब्जर्वेशन तो आपको समझनी पड़ेगी। तो ये क्या है बच्चों आपका, ये है आपका जेड जेड एक्सिस। तो और ये वाली लाइन कौन सी होगी आपकी, अंडर द रूट जो मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट करेंगे इसका, अंडर द रूट जेड स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। क्लियर। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे बच्चों कि ये जो ग्रीन वाली जो हमारी लाइन और ये रेड वाली जो लाइन है
यहाँ पे ये दोनों क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का। और मैं आपको बता रहा था कि ये वाली अगर इस ट्रेंगल को आप देखें कि मैं सॉरी ओरिजिन हमारा होता है यहाँ पे, ये ओरिजिन हो गया और ये पी पॉइंट है हमारा, इसको आप मान लो कि क्यू, और इसको आप मान लो आर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं ट्रेंगल की बात कर रहा हूँ बच्चों, ओ आर क्यू, इन ट्रेंगल ओ आर क्यू, ओ आर क्यू, ओ आर क्यू में जो ओ आर और आर क्यू, ये दोनों जो है बच्चों, ये तो मे भी अब हमें नहीं बताना कौन सा, अब वो तो डिपेंड करेगा कि यहाँ के एंगल के ऊपर, कि इसके सामने वाली तो रेड वाली होगी और जब हम ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे तो ग्रीन वाली हो जाएगी। बट ये दोनों तो परपेंडिकुलर और बेस का काम कर रहे हैं ना इस ट्रेंगल में अभी, तो मैं इसकी बात कर रहा था। ये वाली जो हमारी साइड है ना, ये वाली जो साइड है हमारी, वो अब जो काम कर रही है ना, वो होगी अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये नहीं होगी ये वाली लाइन, ये वाली समझ गए ना, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये तो हाइपोटन्यूज का काम कर रहा है इस क्यू ओ आर क्यू ट्रेंगल में, ठीक है ना। तो अब आप ध्यान से देखो बच्चों, पी क्यू जो है, पी क्यू, अब अपन ट्रेंगल लेंगे, अब ध्यान से देखें, ट्रेंगल ओ क्यू एंड पी को, ओ क्यू पी ट्रेंगल में, तो अब जो पी क्यू है वो परपेंडिकुलर है बच्चों ओ क्यू के, आगे बात समझ में, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। और ओपी जो है बच्चों वो है हाइपोटन्यूज, ओपी ओपी इज इक्वल टू हाइपोटन्यूज, हाइपोटन्यूज का काम कर रहा है किस ट्रेंगल में, ओ क्यू पी में, समझ में आ गई बात बच्चों। अब अगर हम निकालना चाहें ओ पी को, तो ओ पी क्या होगा अगर अपन निकालना चाहें, तो वो क्या होगा, अंडर द रूट ओ क्यू का स्क्वेयर, ठीक है ना, और प्लस में पी क्यू का स्क्वेयर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, समझ गए ना। तो अब ओ क्यू क्या है बच्चों अपने पास में, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, देखिए अभी आप हमने यहां पे निकाला था कि अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ओ क्यू तो हमारा आप देख लो यही है, तो इसका हमें स्क्वेयर करना पड़ेगा, और प्लस में पी क्यू कितना है अपने पास में, पी क्यू तो ये रहा, तो पी क्यू तो है बच्चों जेड, समझ में आ गई बात, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जेड का स्क्वेयर करना पड़ेगा, तो ये हमारा इससे कैंसिल हो गया, तो ओपी की जो वैल्यू आई बच्चों वो क्या होगी, अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, समझ में आ गई बात बच्चों। तो यानी कि ये जो हमने निकाल रखा है आर इज इक्वल टू में 10, तो अगर जो अभी अभी मैंने अगर फॉर्मूला अप्लाई किया, तो आप यहां से देखें बच्चों कि ए की बी की और सी की जो वैल्यू है वो आप इसमें डाल के पुट करके और चेक करके देखें, यानी कि आर इज इक्वल टू में ओपी, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, तो क्योंकि ओपी की तो वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस में जेड स्क्वेयर, तो ए की वैल्यू है बच्चों अपने पास में 5.93 का स्क्वेयर, और प्लस में बी की वैल्यू क्या है बच्चों, वो भी यही है 5.93 का स्क्वेयर, और प्लस में जो जेड एक्सिस है हमारा, जेड यानी कि सी, सी की वैल्यू है बच्चों 5.446 का स्क्वेयर, ठीक है। तो
अगर आप इन सब का स्केयर करके और अंडर द रूट निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी 10 आएगी बच्चों। करके देख लें आप, चाहे आपको ट्राई करना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो आर की वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड करती है। अब आपको पता चल गया कि ओपी जो है, अब आपको ये बात वेक्टर में भी आपको पता चली होगी, आपका जो रूम है ये आपके रूम का सबसे बड़ा बिगेस्ट डायगोनल है बच्चों। आगे बात समझ में? इसीलिए पी जो पॉइंट है हमारा, जो पोजीशन वेक्टर है, उसी की वैल्यू ये होती है। आपको कुछ बातें क्लियर हुई? तो अब जो समझने वाली बात है बच्चों, वो आप देखें कि आपके रूम का जो डायगोनल है, मैं हर बार आपको रूम का बिगेस्ट डायगोनल बता रहा हूँ बच्चों, ये वाला। आपके रूम में जितने भी आपके फेसेस है, ठीक है ना, एक एक दीवार के ऊपर आपके दो डायगोनल बनेंगे बच्चों। फर्श पे भी बनेगा अलग अलग अपोजिट, बट ये वाला जो डायगोनल है, ये भी आप अगर एक आप आपके किसी भी रूम के कॉर्नर पे और एक ठीक उसके ऑपोजिट, तो ये तो आप 8th क्लास से ही समझते हैं कि बिगेस्ट डायगोनल कौन सा होगा आपका, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे अभी कि जैसे जैसे मैं इस डायगोनल को कम या ज्यादा करूंगा, तो ए और बी की जो वैल्यू है वो साइमल्टेनियसली कैसे चेंज हो रही है, देख रहे हैं आप बच्चों? देखिए आप, कि अगर मैंने डायगनल को छोटा कर दिया है, देखिए पहले डायगनल 6 10 था, मैंने उसको 6 कर दिया बच्चों, तो ए और बी भी तो कम हो गए ना। मतलब अगर आपका रूम का, आप जितना बड़ा रूम बनाओगे उतना बड़ा, उतनी ही तो आपको दीवारें भी तो बड़ी करनी पड़ेंगी। समझ में आ गई बात? तो ठीक उसी तरह से अगर अब आप देखेंगे कि मैंने एंगल को बदल दिया बच्चों, अब की बार एंगल को बदल दिया है, तो अब आप ये देखिए कि रूम किस तरह का हो गया है। ये देखिए आप, अब सी वाला जो ऑप्शन है, बहुत सारी बिल्डिंग आपने ऐसी देखी होंगी, जैसे चिमनी है हमारी, आपने जो ईट ईट भट्ठा उद्योग पे होती है, तो आपने चिमनीज देखी होंगी, तो उसका ये वाला जो डायगनल है, तो सी वाली रेशियो तो हमारी बड़ी होगी, जबकि एक्स और वाई के आप देखें, एक्स यानी कि ए, एक्स यहाँ पे ए का रोल कर रहा है, वाई बी का, बी जो है वो, ये दोनों तो क्या हो गए हमारे, प्रोपोर्शनली छोटे बढ़ते जा रहे हैं, छोटे बड़े होते जा रहे हैं बच्चों। तो अब की बार अगर मैं इस एंगल को और ज्यादा चेंज करूं, तो आप देख रहे हैं आप, ये देखिए आप, ये देखिए, तो हुआ क्या अब की बार? अब की बार आप ये देखें, समझने की कोशिश करें बच्चों, कि जो सी वाला जो एंगल था हमारा, वो क्या हो गया, सी वाला जो एंगल है, आप एंगल को भी देखें इधर से, आपने अगर देखिए आप, ये वाला जो सी वाला जो एंगल था वो बढ़ गया, 87 हुआ, ठीक है, और रेड वाला आप देखिए 45 पॉइंट समथिंग हो गया, बी वाला भी 45 पॉइंट समथिंग हो गया। तो इस एंगल को हम चेंज करते जा रहे हैं, यानी कि अगर आपके रूम में जो ये डायगोनल है ये डिपेंड कर रहा है, तो अब जो रूम बनेगा बच्चों, आप ध्यान से देखें, वो रूम की जो छत होगी ना, वो छत की ऊंचाई बहुत छोटी होगी, लेकिन वो लंबाई और चौड़ाई में ज्यादा होगा, ऊंचाई में बहुत कम होगा। समझ रहे हैं आप बात को? देख रहे हैं आप? ये देखिए आप, इसकी ऊंचाई कुछ भी नहीं होगी। तो यही हमारे स्ट्रक्चर्स हैं कि बहुत कई बार तो जो है ना, ऊंचाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, अभी अभी आपने देखा था, तो अब की बार ऊंचाई कम हो गई तो लंबाई और चौड़ाई बढ़ गई। तो अब जो हमारी डेफिनेशंस थी बच्चों, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए आप कि डेफिनेशन जो है बच्चों, वो डेफिनेशन ये बोल रही है कि एनी थ्री नंबर विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शंस कोसाइन। तो तीन जो नंबर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, किसके, डायरेक्शंस कोसाइन के। और डायरेक्शंस कोसाइन हमारी क्या होगी, डायरेक्शंस कोसाइन क्या है बच्चों, वो तो एल एम और एन है। समझ में आ गई बात? उनके प्रोपोर्शनल है। आगे बात समझ में? यानी कि अगर ए की अगर अपन बात करें,
ए की। तो ए अपने पास में बच्चों, आप ये देखिए कि एल हमने किसको माना था, कोस अल्फा को, और यहाँ पे आप देखिए कि ये एंगल जो है, इस एंगल को मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ये है हमारा बी वाला और ये है हमारा, ये देखिए तीनों एंगल्स को आप अलग अलग भी देख सकते हैं, देखिए आप। तो एंगल अल्फा जो है हमारा, अल्फा किसके लिए काम कर रहा है बच्चों, देखो अल्फा हमारा बन रहा है येलो और रेड लाइन के बीच में। तो मैंने आपको बताया था कि रेड जो हमारी लाइन है वो क्या है बच्चों, एक्स एक्सिस का काम कर रही है, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस का हमारा काम कर रही है और ये है हमारा डायग्राम। तो इन दोनों को ही मिलकर के क्या बनी थी बच्चों, हमारी कोस अल्फा, ठीक है ना। क्या बन रहा है हमारा, कोस अल्फा। तो अगर कोस अल्फा यानी कि एल, ठीक है ना बच्चों, और ये अगर मैं इस अल्फा को यानी कि एंगल को अगर मैं कम ज्यादा कर रहा हूं बच्चों, तो देखिए आप ए के ऊपर फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ये देखिए आप, देखो आप जो एंगल है हमारा, एंगल अगर अब 50 50 डिग्री हो गया बच्चों, देखो अल्फा 50 डिग्री हो गया, तो ए की जो वैल्यू है वो कितनी हुई, 3 पॉइंट समथिंग। तो अब अगर मैं इसको एंगल को अगर मैं, ये देखिए आप, ये इन दोनों की जो रेशियो है, इन दोनों की जो रेशियो है वो क्या कहलाएगी हमें, कुछ टेक्निकल खराबी आ गई है, डायरेक्शंस रेशियो जो है, कोई भी वो जो 3 नंबर जिसके हम बात कर रहे थे ना बच्चों, तो वो ये हैं 3 नंबर। कहीं आप यू सोचे जाओ कि भी एनी थ्री नंबर वगैरह कुछ नहीं है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन से आया है बच्चों, क्या आप समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए अब अगर मैं लिखूं बच्चों, मैं अभी आपको लिख करके भी बताऊंगा, लेकिन कुछ चीजें आप पहले ही समझ लें कि ए बी सी, तो एल अपॉन में ए, आप सुनते भी जाएं, मैं उनको लिख के भी बताऊंगा आपको, और जो इज इक्वल टू में रेशियो रहेगी एम अपॉन में बी और इज इक्वल टू में एन अपॉन में सी, ये तीनों रेशियो, जैसे आपने 10th में पढ़ा था कि ए वन अपॉन में ए टू सिस्टम के बहुत इनफाइनाइट सम होंगे, नॉट इक्वल, जब आप ए वन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन में बी टू एंड नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन में, और तीनों ही जब इक्वल थे तो सॉल्यूशन का कोई भी सॉल्व नहीं था बच्चों, याद आ रहा होगा आपको कुछ। तो ठीक उसी तरह से ये वाली जो रेशियो है बच्चों हमारी क्या रहेगी, कि बराबर ही रहेगी, ये समझ में आ गई बात। अगर किसी एंगल को, क्योंकि ये डायगनल तो तीनों के साथ में जुड़ा हुआ है, ये जो हमारा डायगनल है बच्चों वो तो तीनों के साथ में जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं आप, ये तो आप देख रहे हैं ना, इस डायगनल को अगर जब भी मैं रोटेट करता हूं, देखिए आप, तो देखो तो ये जब तीनों का जो सम मिला करके होगा वो तो एक ही एंगल को बनाएगा ना बच्चों, तो जब मैं ब्लू वाले को बढ़ा रहा हूं तो रेड वाला बन जाता है, कम हो जाता है। तो अगर दो को बढ़ाऊंगा, ये देखो आप, देखिए ठीक है ना, इनको मिला करके तो तीनों को एक ही रहना है ना, ये देखिए आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो मेन जो बात थी बच्चों वो आपको फील आना चाहिए, ठीक है ना। तो इनकी जो रेशियो रहेगी वो हमेशा बराबर रहेगी, तो हम इसको चेक भी करेंगे कि क्या ये रेशियो बराबर होगी हमेशा, ठीक है ना। तो आओ लेट्स चेक दैट। तो जो डेफिनेशन है बच्चों, डेफिनेशन हमें ये बता रही है कि जो तीनों नंबर थे वो हमारे प्रोपोर्शनल है, कोई भी जो नंबर थे वो ए बी सी नंबर थे बच्चों। यानी कि अगर मैं बात करूं कि एल यानी कि कोस अल्फा को हमने कंसीडर कर रखा था बच्चों एल, और कोस बीटा की अगर मैं बात करूं
तो वो हमारा एम था, और कोस गामा की अगर मैं बात करूं तो वो हमारा एन था बच्चों, तो एल एम एन हमने कंसीडर कर रखा था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डेफिनेशन अपने आप ही बना ली, तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया था चीज को कि इस रेशियो के यानी कि इस एंगल के, और एंगल तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोसाइन के, कोस अल्फा कम ज्यादा हो रहा था, तो यानी कि एल अपॉन में ए इज इक्वल टू में एम अपॉन में बी। इसको हम प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे बच्चों यहाँ पे। एंड एन अपॉन में सी, ये है बच्चों के इक्वल। समझ में आ गई बात, के का मीनिंग क्या है? अब यहाँ पे तो एक्चुअल में ये आएगा एल इज इक्वल टू में कोस अल्फा, ठीक है ना, अपॉन में ए इज इक्वल टू में कोस बीटा, यानी के सॉरी बीटा अपॉन में बी, और कोस गामा अपॉन में सी। समझ रहे हैं ना? यानी के अब अगर यहां पे आप अल्फा की वैल्यू देखिए कितनी है, तो अल्फा की जो वैल्यू है बच्चों ये रही, देखो अल्फा की वैल्यू ये रही आपकी अल्फा की वैल्यू, ठीक है ना, ये है आपकी अल्फा की वैल्यू जो कि है 64 पॉइंट समथिंग। तो आप 64 पॉइंट समथिंग यानी कि कोस की वैल्यू को आप इसमें डालें और चेक करें, कैलकुलेटर से ही आप चेक कर सकते हैं। मैं अगर इसमें डाल करके आपको बताने की कोशिश करूंगा, 64.02 डिग्री, तो ये वैल्यू है बच्चों, ये आ रही है कोस अल्फा की वैल्यू 0.4380, ठीक है बच्चों। और वहीं पे ए कितना है अपने पास में, ए है बच्चों 4.286, देख पा रहे हो ना आप। और अब उसी तरह से मैं कोस बीटा की वैल्यू अगर मैं चेक करूं, यानी कि कोस 42.07, ठीक है ना बच्चों, तो कोस 42.07 की वैल्यू है 0.7423, ठीक है ना, और अपॉन में अब मुझे बी की वैल्यू डालनी पड़ेगी, और बी की वैल्यू है बच्चों 7.423, समझ गए। और अब हमें देखनी पड़ेगी बच्चों कोस गामा की वैल्यू, और गामा ये रहा बच्चों गामा, ठीक है ना, मैं कलर और थोड़ा सा ले लेता हूँ आपको क्या पता, ये वाला रहा, ये है हमारा कोस गामा की वैल्यू अगर मैं चेक करूँ तो कोस गामा की वैल्यू चेक करते हैं बच्चों, यानी कि कोस 59 डिग्री की, तो वो वैल्यू आ रही है बच्चों 0.5150, और अपॉन में मैं बच्चों मोबाइल का कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो और अपॉन में क्या होगा सी, तो सी की वैल्यू कितनी बच्चों 5.15, ठीक है। अब हम इसको कैंसिल करके देखें, इन तीनों की जो रेशियो आनी चाहिए ना बच्चों वो क्या आएगी, बराबर आएगी, ठीक है। तो मैं क्या यहाँ पे कैलकुलेटर चेक कर लूँ, तो इसी से ही आपको चेक करके यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ देखने के लिए, तो ये है बच्चों 0.43808 80 एंड डिवाइडेड बाय 4.286 समथिंग, और इज इक्वल टू में आएगा 1.0। तो इसको अगर कैंसिल किया तो 0.100 मान लेते हैं बच्चों, ठीक है, ऐसा ही दो डिजिट तक ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझसे जितना बन पाया एक्यूरेसी के लिए तो बहुत काम करना पड़ेगा बच्चों पॉइंट, अब बट मैंने सिर्फ आपको ये समझाने के लिए किया। तो अब हम डिवाइड करेंगे
पॉइंट 7423 एंड डिवाइडेड बाय 7.4223। तो जब मैं इसको भी कट कर रहा हूं तो बच्चों 0.100 यहां पे कहीं 2 आ रहा है, अगर मान लो और सिग्निफिकेंट डिजिट भी लेता हूं तो। अगर आप इसको भी कट करेंगे बच्चों तो यही वैल्यू आएगी 0.100 समथिंग। आप समझ रहे हैं? तो ये जो वैल्यू इज इक्वल टू में आई उसको हमने क्या कंसीडर कर रखा है बच्चों, के। ये बताने की मैं कोशिश में था। तो रट्टा नहीं लगाना किसी भी चीज का, समझ रहे हैं बात को? तो रट्टा अगर आप लगाओगे तो मरोगे, आगे बात समझ में। समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए देखो अब कितनी आसान चीज होगी। इसी चीज को अगर आप रट के रखते कि ए क्या था, बी क्या था, सी क्या था, ए बी सी कुछ भी नहीं है बच्चों। ए बी सी वो चीजें हैं कि आपके डायगनल, आपका जो रूम का जो बिगेस्ट डायगनल है उसको अगर आप छोटा बड़ा करोगे, ठीक है ना। तो अगर आप जो चिमनीज हैं जो हमारी ईंटों के भट्ठे पे लगते हैं तो उसका डायगनल, बल्कि एक्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो बहुत छोटे होंगे, बट जेड वाला जो एक्सिस होगा वो बहुत बड़ा होगा उसका। इसी तरह से ऑब्जर्व करो, क्या सभी के रूम एक जैसे थोड़ी होते हैं बच्चों? तो किचन बहुत बार लंबी हो जाती है, बाथरूम लंबे हो जाते हैं, तो उनका एक्स एक्सिस छोटा हो गया, वाई एक्सिस बड़ा हो गया, तो उनके डायगनल कैसे रहेंगे? ऐसे डायगनल के रूम की शेप बदलने के साथ में डायगनल भी बदलता है। समझ में आ गई बात बच्चों? तो ये हमारी क्या है, के की वैल्यू आई, जो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करी। अब थोड़ा सा मैथमेटिकली टूल्स हम यूज करके इसको और समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो यानी कि अब ये वाली जो चीज थी ना बच्चों, यहां से इसको अगर हम उठा के नीचे की तरफ ले आए समझाने के लिए, कि भाई यहां से इस चीज को आप कुछ यूं भी तो समझ सकते हैं। देखिए, मान अगर L अपॉन में ये सबकी रेशियो बराबर ही तो है, K के बराबर आई। अगर L अपॉन में A जो कि K के इक्वल आया बच्चों, मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो L हमारा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? L क्या A के बराबर नहीं हो जाएगा? आगे बात समझ में, यानी कि डायरेक्शंस कोसाइन, यानी कि ये तो कोस अल्फा ही है, तो A के बराबर होगा। ठीक उसी तरह से अगर मैं बात करूं m अपॉन में b की, तो वो भी तो k के इक्वल है, क्योंकि k हमारा कितना आया, k की वैल्यू तो क्या आई, 0.100 समथिंग। समझ गए ना आप? तो अगर आप वापस इसको मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि अगर मैं l की ही बात करूं तो l हमारे पास में कितना था बच्चों, ये तो था 0.4380, और इसको अगर आप वापस ए के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही चीज फिर से तो आ जाएगी, यानी कि 4.283 इनटू में, और के कितना है आपका, 0.100 समथिंग, ठीक है ना। तो वापस ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा आपका, पीछे ही तो चला जाएगा एक, समझ रहे ना। तो उसी तरह से एम की जो वैल्यू होगी बच्चों वो क्या होगी, बी के, ठीक है ना। और उसी तरह से एन अपॉन में सी, ठीक है, तो वो क्या होगी, के। तो एन इज इक्वल टू में अगर सी थी तो एन हमारा क्या आ जाएगा, आ जाएगा सी के, ठीक है ना बच्चों। तो ये सब मैथमेटिकली टूल्स थे हमारे पास, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं, तो L जो था हमारा, हाँ ये एक हमारा रिलेशन भी बनेगा बच्चों। रिलेशन ये होगा हमारा कि अगर हम इसको कन्वर्ज कर सकते हैं, कन्वर्जन है ये डायरेक्शंस रेशियो की डायरेक्शंस कोसाइंस में। समझ में आ गई बात, कि डायरेक्शंस रेशियो को आप कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्शंस कोसाइन में,
समझ में आ गई बात? तो डायरेक्शंस रेशियो और डायरेक्शंस कोसाइन दोनों अलग अलग चीज थी। आगे बात समझ में बच्चों? तो डायरेक्शंस रेशियो तो हमारी क्या होती है बच्चों, ए कोमा बी कोमा सी, ये ठीक है ना। तो वो अब उसको उसका कन्वर्जन करना मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। देखिए कैसे, इसी से ही निकलाएगा सब कुछ। अगर आपको ये सब समझ में आ गया तो अब 3D को समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब ये हमारे पास तीन रिलेशन आ गए बच्चों। पहला तो एक ये आ गया हमारे पास, ये वाला बच्चों, एल इज इक्वल टू में ये और एम इज इक्वल टू में बी के एंड एन इज इक्वल टू में सी के। ये मुझे यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना चाहिए था, ठीक है ना। ये तीन इक्वेशन हमारी बन गई बच्चों, एक दो और तीन, क्लियर। अब अगर हम यहां पे अगर इन तीनों को स्केयर और ऐड कर दें तो हमें कुछ मिल सकता है बच्चों यहां पे। अगर मैं इन तीनों को स्केयर और ऐड कर दूं तो मुझे क्या-क्या मिलेगा बच्चों? तो अगर मैं पहली इक्वेशन का अगर स्केयर कर रहा हूं तो ये मिलेगा मुझे एल का स्केयर इज इक्वल टू में ए स्केयर के स्केयर, फिर एम का स्केयर इज इक्वल टू में बी का स्केयर और के का स्केयर, फिर मैं एन का स्केयर कर दूं तो मुझे मिलेगा सी का स्केयर और के का स्केयर, ठीक है बच्चों। अब आप ध्यान से देखें, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने ये प्रूव कर लिया था कि डायरेक्शंस जो कोसाइंस है हमारी, उनका जो स्केयर का सम है वो 1 के इक्वल होता है। आगे ना बात समझ में? तो अगर इस सारे को इम्प्लाइज अगर हम यहाँ करें तो एल का स्केयर प्लस एम का स्केयर प्लस एन का स्केयर और इधर से के स्केयर हमारा है बच्चों कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, ठीक है ना। ये तो 1 ही होता है ना। लास्ट में हमने इसको प्रूव कर लिया था इतनी चीज को, ये तो 1 ही होता है बच्चों। तो ये क्या रह गया हमारा, के स्केयर। और इन तीनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इसको अपन इसके नीचे लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको नीचे ले आते हैं बच्चों, और नीचे जब लेकर के आएंगे तो ये आ गया हमारा ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर इज इक्वल टू में के का स्केयर, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हमारी के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। जो रेशियो अगर आपको निकालना है तो 1/ में ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर और सी का स्केयर। आप चाहें तो ये प्रैक्टिकली आप करके देखें, डायग्राम आपके सामने है, इसके अंदर ए बी सी की आप वैल्यू डालें और फिर के की वैल्यू को आप चेक करें। तो नेक्स्ट में क्या रहेगा बच्चों, अगर मैं स्केयर यहाँ से हटा देता हूँ, स्केयर को अगर मैंने यहाँ से हटा दिया तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों वैल्यूज में? तो के की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो ये वाली जो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, अंडर द रूट में हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो के की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या हो जाएगी, के और 1/ में अंडर द रूट, अंडर द रूट ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज आप पता कर सकते हैं, क्लियर। ठीक है बच्चों, तो ये रहेगी आपकी के की वैल्यूज। हाँ एक चीज तो हम यहाँ पे लिखना भूल ही गए कि प्लस माइनस भी तो हमें देना पड़ेगा ना इसे। समझ में आई बात बच्चों? तो प्लस माइनस यहाँ पे, क्योंकि अभी इसका हमने स्केयर हटाया। अब ये बहुत जरूरी है बच्चों, तो इस प्लस माइनस का मीनिंग भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो अब आप देखें बच्चों, हमारे पास आ गई है के की वैल्यू
और के की वैल्यू को हम इक्वेशन वन में रखें बच्चों। तो डायरेक्शंस कोसाइन तो हमारे क्या होते हैं, वो तो हमारे होते हैं एल कोमा एम कोमा एन। तो एल हमारी क्या है, ए के है बच्चों, आगे बात समझ में। तो हम पहली जो हमारी इक्वेशन है, फर्स्ट जो इक्वेशन है बच्चों, ये रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे। इस एल की वैल्यू के अंदर, क्योंकि हमें कन्वर्जन करना है ना डायरेक्शंस रेशियो का, किसमें, टू द डायरेक्शंस कोसाइन में। तो एल की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास में, एल की वैल्यू तो है ए के, ठीक है ना। तो एल की जगह अगर मान लो कि भाई हमारे पास डायरेक्शंस रेशियो नहीं है, कोस अल्फा नहीं है, मतलब कोस बीटा नहीं है, तो अगर हम उसकी जगह पे किसको लिख सकते हैं बच्चों, उसकी जगह पे तो हम लिख सकते हैं ए के को, नहीं लिख सकते क्योंकि यही तो हमने किया था। और एम को क्या लिख सकते हैं, बी के, सॉरी हाँ यस बी के लिख सकते हैं इसको। और एन को हम क्या लिख सकते हैं, सी के, आगे बात समझ में। और के की वैल्यू अब अपने पास में आ गई है बच्चों, तो यहाँ पे हम के की वैल्यू को रखेंगे, तो मुझे थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि के की वैल्यू अब थोड़ी सी बढ़ गई है बच्चों। तो अब एल जो है हमारा वो ए के हो गया है, और ए हमारा एज इट इज, और के की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या आ जाएगी, इसके अपॉन में आ जाएगी ना, अंडर द रूट क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर। लेकिन ध्यान से, क्योंकि के के साथ में प्लस माइनस भी है बच्चों, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मैं अभी इसका मीनिंग बताऊंगा आपको कि ये प्लस माइनस क्यों है। अब आप देखिए कि एम की वैल्यू, एम की हमारी क्या आ जाएगी, बी के थी, तो बी तो एज इट इज प्लस माइनस बी हमारा एज इट इज, और के की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन टू में वन अपॉन करेंगे ना, तो एक ही बात है, अपॉन में अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर, ठीक है ना। उसी तरह से फिर एल की, सॉरी एन की अगर मैं बात करूं, तो सी अपॉन में अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। समझ में आ गई बात बच्चों, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या होंगे, डायरेक्शंस कोसाइंस होंगे। अब आप देखें, मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा था, इस डायगनल को लास्ट लेक्चर में आप समझें कि मुझे थोड़ा येलो कलर ले लेना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इस डायगनल को अगर मैं पीछे की तरफ अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेता हूँ बच्चों, तो हमने इस वाली डायरेक्शंस के लिए तो हमने पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर की थी डायरेक्शंस के लिए, तो इस वाली क्या होगी, नेगेटिव नहीं होगी। तो एक वैल्यू पॉजिटिव के लिए डायरेक्शंस कोसाइन है, और इस वाली के लिए तो क्या था, कोस, हमने कोस की जो वैल्यू थी पाई माइनस अल्फा नहीं निकाली थी। तो ये वाला जो जो हमारा एंगल होगा, जो ये वाला होगा एंगल जो बच्चों इसके साथ में ये वाला जो एंगल बनाएगा, अगर ये हमारा 59 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों, कितना होगा, पाई में से हम किसको माइनस कर देंगे, 59 डिग्री को माइनस नहीं कर देंगे, तो यही तो होगा कोस का। तो अब कोस पाई माइनस समथिंग तो क्या होगा, माइनस में ही तो होगा ना, तो अब ये नेगेटिव वाली है। क्या बात को समझ पाई अच्छे से, ठीक है ना। तो ये था बच्चों सारे के सारे जो पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हमें देखना पड़ेगा कि मतलब वो पाई माइनस अल्फा है या अल्फा है, ठीक है ना बच्चों। तो ये येलो को सिर्फ मैंने जेड के साथ में करके बताया, अगर आप चाहें तो इसको आप देख सकते हैं। देखो ये येलो वाली, ये इसके साथ में भी तो एंगल बनाएगी, समझ में आई बात, और इसके साथ में भी तो एंगल बनाएगी ग्रीन के साथ में, ये देखिए आप, क्योंकि ये तो तीनों चल रहे थे, समझ में आ गई बात। तो क्लियर ही 3D में समझने की कोशिश करें, रट्टा मत लगाना बच्चों, अदरवाइज फिर वो बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड से माय फादर अगर तब आ गया तो बहुत दिक्कत होगी। क्या आपको सारी बातें क्लियर हुई, ठीक है, इसी बात को आप बहुत अच्छे से समझ लें, ठीक है। नेक्स्ट जो
हमारा होगा रिलेशन, हम डायरेक्शंस रेशियो पता करेंगे बच्चों के, कोई भी एक लाइन ज्वाइनिंग है और उसके ऊपर जो दो पॉइंट होंगे उस पे हम डायरेक्शंस रेशियो को पता करेंगे, ठीक है? टिल देन आप इसको अच्छे से समझें, ठीक है? मुझे लगा कि आप लोगों को समझ में आएगा। और दूसरी बात ये कि जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं और कमेंट में आप लिख के दे सकते हैं, ठीक है? तो मैं कोशिश करूँगा कि वो डाउट जो है वो आपकी क्लियर हो। मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि आपको बात को समझाने की कोशिश करनी है, आपको रट्टा नहीं लगवाना है। लेकिन एक बात आप याद रखना कि जिस दिन आपको बात अच्छे से समझ में आ गई, तो कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों? तो इनफ फॉर टुडे।